अरविंद सावंत शिवसेना के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। अरविंद सावंत जी, धार्मिक भावनाएं कौन सी आहत हो गईं जिसके बाद नवनीत राणा की गिरफ्तारी करवा ली जाती है? मैं तो कहता हूँ लेट हो गया, लेकिन सही हुआ। बहुत लेट हुआ, यू शुड हैव बीन डन अर्लियर। देर हो गई, जो हुआ वो सही हुआ। देखो, पहली बात ऐसी है ना, आप जरा ध्यान से सुनेगी जो मैंने तुम्हें बात करूंगा। बात ऐसी है कि ये जो दोनों भी हैं, नवनीत राणा हो या रवि राणा, ना तो भाजपा थे ना तो हिंदुत्व वाले। रही बात इन्होंने जो अभी बात शुरू कर दी हनुमान चालीसा पढ़ने की, वो उन्होंने चैलेंज किया तो काम उनके सामने पड़ेगी। आंदोलन सही है क्या, पहले आप लोग ये बताओ। और ये दोनों भी गैर कानूनन काम के लिए मशहूर है। निर्बंध लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि मेरी पूरी बात कर रहे हो, फिर नहीं बोल लूंगा। फिर तो बोले कार्रवाई हुई इलेक्शन कमीशन ने, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने नहीं कंप्लेन की, एक पहली बात सुन लो, ये इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन की हुई है, फिर भी उसकी बारे में दो विधायक बरकरार रहा है। नवनीत राणा जी, उन्होंने झूठा जाति का प्रमाण पत्र दिया और झूठा जाति का प्रमाण पत्र बनकर सांसद बनी, सुप्रीम कोर्ट तक हार गई है, ऑर्डर सिर्फ पास करनी है, नहीं पास करते, 3 बरस हो गए। ये संवैधानिक काम करता है क्या? और इसलिए मैं कहना था कि जिनकी नींव गलत गैर कानून है, वो उनकी नींव ही गलत है, वो तो कहेंगे हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसके मना किया? हम कहते पढ़ो, मंदिर में जाके पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, 4 दिन कर मुख्यमंत्री के घर पे, और दूसरे दिन मैं कहता हूँ बिल्कुल जाके भाजपा नेता के सामने, कोई मुस्लिम आके कहेगा मुझे कुरान पढ़ना है तो क्या करोगे? कोई क्रिश्चियन आके कहेगा मुझे बाइबल पढ़ना है आपके घर के सामने, तब क्या करोगे? अब हनुमान चालीसा, हम लोग 33 करोड़ देव को देव देवता को मानते हैं, हमारे साउथ इंडिया में हनुमान चालीसा पढ़ती है क्या? उन्हें आती है क्या? साउथ तो हिंदू नहीं, वो उनका हिंदुत्व नहीं है। बाला साहब का हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व था, बाला साहब का हिंदुत्व राष्ट्र के लिए था, पेट्रियोटिज्म के लिए था। बाला साहब कहते थे मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए देश पर आतंकवादी हमले करने वालों को बजाने वाला हिंदू। ये क्या चल रहा है आपका? मैं गणपति स्तोत्र बोलता हूँ, गणेश का स्तोत्र बोलता हूँ। लेकिन अरविंद सावंत जी, आगे बढ़ते हुए यही सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ, आप लोगों से भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला सांसद से क्या शिवसेना इतना ज्यादा डर गई? और संजय राउत जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, उनकी ओर से जब कहा जाता है कि मातोश्री और शिवसेना के साथ छेड़खानी करने वाले को 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। अरे भैया, झूठा जमान जाति का प्रमाण पत्र देने वाली महिला अच्छी, अरे वाह, महिला करके वो अच्छी क्या? गलत करती, वो सही बता रहे हो क्या? ये सब है ना, यही तो कह रहे हो, झूठे न्यूज पे खड़े रहने वाले लोग है ये, तो इंडिपेंडेंट करके सुन कर आए, ये कभी भाजपा के थे? इन्होंने कभी हिंदू बाबे का ढांचा एकदम गिरा था तब भागने वाले लोग थे। आज भाजपा की मुझे बहुत ये हो रहा है कि उसकी ऊपर तरस आ रहा है। अरे अरे अरे, क्या तुम्हारी हालत है रे? किसी को पकड़ के हिंदू तो बताना चाहते हो, किसी को बोलकर हनुमान चालीसा पे हिंदू तो बता रहे हो? ये होता है क्या? ये हिंदू तो है, ये दिखा है हमारे हिंदुत्व, हमारे हिंदुत्व में राष्ट्रीयत्व है, हमारे हिंदुत्व में एकता है, किसी को जाकर ठीक है। अरविंद सावंत जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के नेता नीतीश राणे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश राणे जी, बार बार शिवसेना की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि दरअसल सांसद और विधायक दोनों बंटी बबली हैं और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी। नवनीत राणा, उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या होगी इस पर प्रतिक्रिया आपकी? पहली हम लोगों को किसी को तो इस्तेमाल करने की तो पहले बात तो जरूरत नहीं है। हमारा हिंदुत्व का मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, इसलिए हम लोग को किसी को भी ऐसा भाड़े पे लेने की कुछ जरूरत नहीं है। जो है हम हमारी तरफ से बोलते हैं, जिसको हमारे पर राज्य आरोप करने का उसको करने दीजिए ना, उनको बाकी काम क्या बचाए। अब
नहीं नहीं, ये जो हुआ है जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, उनको वहां पर पढ़ने नहीं दिया गया, कई घंटों तक ड्रामा चला, फिर पुलिस पहुंचती है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मदद भी मांगी है, नारायण राणे का जी का भी नाम लिया है कि नारायण राणे जी और देवेंद्र फडणवीस जी आकर उनकी मदद करें। देखिए हम लोग की जिसने मदद, हम लोग करेंगे ना मदद, हम कौन बोलते कि नहीं करने वाले मदद। मगर आप एक समझ के लीजिए, पुलिस के ये पूर्ण पुलिस की मदद लेके कोई भी मर्दानगी दिखा सकता है, कोई भी मर्द खुद को बता सकता है। पुलिस को जरा 24 घंटा छुट्टी पे भेजिए ना, फिर देखते हैं ना हम लोग क्या होता है क्या नहीं होता है। पुलिस, हजार पुलिस को आजू बाजू में रख के कोई भी इतना बड़ी बड़ी बातें कर सकता है ना, वो तो आसान बात है, वो तो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पुलिस को जरा एक 24 घंटे के लिए छुट्टी पे भेजिए, फिर हम लोग दिखाते क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मुद्दा ऐसा है कि राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी होती है उनकी के बाबा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन रहे, मेरा राज्य शांत रहे, ऐसी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। और यहाँ शिवसेना के ही कार्यकर्ते आज मुंबई के अलग अलग जगहों के ऊपर अगर दंगा भड़का रहे हैं, जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं और आम मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं, तो और उसको बढ़ावा ये शिवसेना के ही लीडर दे रहे हैं।